राजस्थान में कांग्रेस ने चुनाव की तैयारियां करने शुरू कर दी है। आपको बता दें, प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में प्रत्याशी चयन की जिम्मेदारी कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने जिला प्रभारियों को सौंपी है। जिला प्रभारी जिलों में जाकर विधायकों और स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ टिकट के दावेदारों के नामों पर मंथन करेंगे। इसके साथ साथ कहा यह भी जा रहा है कि इस बार के उम्मीदवारों के चयन में सबसे अहम भूमिका विधायकों की हो सकती है। वहीं सभी जिलों के प्रभारियों को पंचायत और जिला परिषद चुनाव के लिए फीडबैक और रायशुमारी के आधार पर 11 अगस्त तक कांग्रेस के जयपुर प्रदेश कार्यालय में कम से कम प्रत्येक सीट के लिए 3-3 नामों को सुझाना है। ऐसे में कोरोना के बाद राजस्थान में कांग्रेस के लिए ये चुनाव काफ़ी अहम माना जा रहा है और कई मामलों में तो इसे सरकार फीडबैक के रूप में भी ले रही है। जुड़े रहिए SPN9 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।